अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ शेख इम्तियाज और आप देख रहे हैं नॉलेज शेख। नाज़रीन, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको माह सफ़र का एक मुजर्रब और रूहानी अमल बताने वाला हूँ। नाज़रीन, इस अमल को माह सफ़र के महीने में किसी भी दिन इस अमल को कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह तबारक व ताला आपकी रिस्क के अंदर फरावानी अता फरमाएगा और अल्लाह आपको इतना अता फरमाएगा कि आपको किसी का मोहताज नहीं फरमाएगा और आपके घरों में, रिस्क में, कारोबार में इतनी बरकत होगी कि कभी भी बेबरकती नहीं होगी। नाज़रीन, अगर आप भी जानना चाहते उस अमल के बारे में, वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को दिल से लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला तबारक व ताला जो भी रिस्क के हवाले से परेशान है, अल्लाह ताला तमाम को रिस्क की फरावानी अता फरमाए। कारोबार जो शुरू करना चाहते हैं, अल्लाह ताला तमाम के कारोबार के अंदर कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। जो लोग रिस्क के हवाले से, बेबरकती के हवाले से परेशान हैं, अल्लाह ताला तमाम मुसलमानों को रिस्क में, कारोबार में, घरों में बरकतें अता फरमाए। और जो शख्स भी इस अमल को करे, अल्लाह ताला इस अमल को करने वाले को कामयाबी अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दे। आइए अमल की तरफ बढ़ते हैं। अमल का तरीका ये है कि आपको इस महीने के किसी भी दिन, आपको और किसी भी नमाज के बाद इस अमल को कर लेना है। नाज़रीन, तरीका आसान है। करना ये है कि जब आप अमल शुरू करें तो बावजू रहे और फिर सबसे पहले आपको तीन मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले। जो भी आपको दुरूद शरीफ याद हो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद अल्लाह तबारक व ताला का ये नाम या कुद्दुसु, यह आपको 100 मरतबा पढ़ लेना है। या कुद्दुसु, ये 100 मरतबा पढ़ ले और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले जो आपने पहले 3 मरतबा पढ़ा था। नाज़रीन, बस ये अमल मुकम्मल हुआ, अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। जिस भी तरह के रिस्क के हवाले से परेशानी है, अब अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। अल्लाह ताला आपको तमाम परेशानियों से दूर फरमाएगा और रिस्क की फरावानी अता फरमा कर किसी का भी मोहताज नहीं फरमाएगा। तो इस अमल को आप ज़रूर करें। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दें। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।